मन तो बड़ा चंचल है, भजन कैसे करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे भजन करूं। तो कहा उसके लिए चार कार्य करने पड़ेंगे। यदि गोविंद की प्राप्ति करनी है, मन को भगवान में लगाना है, तो उसके लिए चार चीजों की आवश्यकता है। जितासनो जित स्वासो जित संगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। महाराज उसके लिए चार कार्य करने पड़ेंगे। जितासनो जित स्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, अर्थात सबसे पहले आसन को जीतिए। आप 3 घंटे की कथा में कितनी बार पैर बदलते हो, सत्य सत्य बताना, 300 बार बदलते हो महाराज। कभी कभी तो मन किया तो प्रभु की ओर ही पैर करके बैठ गए, अब तो थक गए प्रभु। जब एक आसन में नहीं बैठ पाएंगे तो मन की चंचलता नहीं मिटेगी। इसलिए मन को वश में करना है, भगवान में लगाना है। देखिए, हम भी सांसारिक हैं, आप भी सांसारिक हो, हम भी साधारण मनुष्य, आप भी साधारण मनुष्य। ऐसा मत सोचिएगा हम यहाँ पर बैठे हैं तो कोई बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम भी आपकी तरह साधारण है, कुछ भी नहीं जानते। कहा है ना कि ना जानू कोई जन अज्ञान हूँ मैं भगवन। और समान ही है, यहाँ से उतरने के बाद हम समान है। सिर्फ महत्व इस पीठ का है, मनुष्य का नहीं है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ महत्व इस पीठ का, क्योंकि इसमें जो बोलते हैं हरि की कृपा से बोलते हैं। इस वाणी में भगवान ना विराजे तो ये वाणी नहीं बोल सकती, नहीं चल सकती। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ना कि वाणी जो मिली है इसका सदुपयोग करिए। और गोस्वामी जी कहते हैं कि जिह्वा सांपिनी बदन बिलोक की जे न जपहि हरि नाम, अर्थात हरि ने इस वाणी को दिया, इस जिह्वा को दिया, और इसमें से यदि उसका ही नाम ना निकले तो ये किस समान है महाराज, उस मेढकी के समान है जो व्यर्थ में टर टर करे लेकिन क्या लोगों को उसकी आवाज पसंद आती है। क्रोध ही आएगा ना जब वो बोलती है तो, कि व्यर्थ में बोल रही है। उसी प्रकार है जिह्वा, भगवान ने वाणी दी है अपने नाम सुमिरन के लिए, नाम भजन के लिए, और महाराज इसे व्यर्थ में गवा रहे हैं। इसलिए हम भी वही, आप भी वही, पर इस स्थान का इतना महत्व है। एक बार यदि मन लग गया ना तो आप हमें ही देख लीजिए या किसी भी वक्ता को आप देख लीजिए इस स्थान पर बैठ करके। महाराज 5 घंटे भी आ जाएं, 10 घंटे भी आ जाएं तो एक ही आसन पर बैठे रहेंगे, कोई पीड़ा कोई दर्द नहीं होगी। सिर्फ मन का खेल है, मन का ही चमत्कार है, संसार में कोई चमत्कार नहीं है। आप कहीं भी जाइए, कुछ भी करिए, मन यदि जिस परिस्थिति को स्वीकार कर ले वही सुख है, और मन जिस परिस्थिति को स्वीकार नहीं करता वही आपके लिए दुख है। इसलिए मन ही सबसे बड़ा जंजाल है, झमेला है, और ये मन स्वीकार कर लेता है कि मुझे यहाँ भजन ही करना है। तो आप 10 घंटे भी बैठ जाओगे ना एक आसन में, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप जहाँ पर बैठे हो वहां पर मन इसलिए भटकता है क्योंकि मन लग नहीं रहा महाराज, संसार में लग रहा है, विलंब है रहो, घर जाना है, अब चूल्हा चौका भी करना है,
रोटी भी बनानी है महाराज, इसलिए मन यहाँ वहाँ भटकता रहता है। तो उसके लिए ऐसा नहीं करना है, जब बालक विद्यालय जाता है तो क्या 5 वर्ष के बालक को आप एमए का कोर्स दे दोगे, वो कर लेगा, पढ़ लेगा, नहीं पढ़ेगा। उसी प्रकार हर जीव भगवान का बालक है, और जो भी कार्य आप करिए अभ्यास के द्वारा सीखना है। पहले 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इस तरह धीरे 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 हर प्रक्रिया को बढ़ाना है। एक बार में संभव नहीं है, आप कोई भी कार्य करते एक बार में संभव नहीं, इसलिए पहले 5 मिनट बैठने का अभ्यास करिए एक आसन। दूसरे दिन नियम डालिए 10 मिनट, तीसरे दिन 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसे अभ्यास करते करते एक दिन अभ्यास है कर ही रहेगा, है जाए वो, इतनी तो प्रमाणित बात है महाराज। क्योंकि कहा है ना, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मनुष्य के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, जो असंभव को संभव कर दे वही है मनुष्य महाराज। इसलिए एक आसन पे बैठो, तभी मन अपने वश में होगा। उसके बाद जित स्वासो, अर्थात प्रातःकालीन जल्दी उठना चाहिए। शास्त्रों में 3 प्रकार के स्नान बताए गए हैं, 4 से 5 बजे के बीच जो स्नान होता है वो ब्रह्म स्नान होता है, उसके बाद 5 से 6 के बीच जो स्नान होता है वो मनुष्य स्नान होता है, 6 के बाद जो स्नान हो वो राक्षसी स्नान माना जाता है। तो प्रातः उठ करके स्नान करके सर्वप्रथम अपने घर की सफाई करके स्नान करके उसके बाद क्या करना है, सूर्य भगवान को अर्घ देना है। सबसे पहले सबके कर्जे हैं हमारे ऊपर, तो उसे मुक्त होना है ना, भगवान ने हमें दिया है ये दें, तो उसका कर्तव्य भी तो निभाना है। सूर्य भगवान को अर्घ दे करके तुलसा माता की सेवा करिए, तुलसी जी की सेवा करिए। तुलसी जी की सेवा करके प्रत्येक दिन का नियम होना चाहिए। अपने घर में यदि आप चाहते हैं कि हमारे घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा ना हो, जिसे दुख मानते हैं लोग, तो दुख ना हो, घर में शांति बनी रहे, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए। स्नान करके सर्वप्रथम सूर्य भगवान को अर्घ देना है, उसके बाद माँ तुलसा की सेवा करनी। जिस घर में तुलसी है उस घर में सुख है, समृद्धि है, सब कुछ है, और जिस घर की नारी तुलसी की सेवा करती है उसके जीवन में सारी संपन्नता बनी रहे। प्रत्येक दिवस का नियम होना चाहिए। अर्घ देने के बाद जो जल बचे उसको लेकर के आइए, और ला करके अपने पूरे घर में उसका सिंचन करना चाहिए, छींटे मारने चाहिए। इससे घर की जो नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो समाप्त होती है, और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। प्रत्येक दिन का आपका नियम होना चाहिए, जब आप पूजन करते सेवा करते भगवान की, तो द्वार पर भी एक दीपक अवश्य जलाएं। और नियम ये भी कहता है शास्त्र, ये भी कहते हैं हमारे, कि घर पर जब आप प्रतिदिन सेवा करते प्रातःकालीन, तो दहली पर जल अवश्य डालना चाहिए। इससे जो भी हमारे घर की बुरी नजर है वो सब समाप्त होती है। और यदि इन नियमों को करते हुए आप जीवन को जीते हैं, तो मन में अपने आप शांति बनेगी, सुकून बनेगा, ऐसा लगेगा कि हर समय मेरे साथ कोई एक शक्ति चल रही है जो मेरा साथ दे रही है। तो मात्र छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देते हुए यदि चले तो जीवन अच्छा हो सकता है महाराज। इसलिए प्रातःकाल जल्दी उठने का थोड़ा नियम बनाएं। ब्रह्म मुहूर्त में तो संभव नहीं है महाराज, क्योंकि 2 बजे रात तक मोबाइल चलेगा तो 3 बजे रात तो ब्रह्म मुहूर्त है जाता है, तो कहाँ से जग पाओगे। इसलिए नियम तो यही कहता है कि 10 बजे रात्रि को सो जाना चाहिए, और कम से कम 4 बजे भोर में जग जाना चाहिए। लेकिन अब 2 बजे तक मोबाइल चले तो फिर यही तो कली का प्रभाव है, इसी को तो कलयुग कहते हैं, कि सब कुछ बदल गया संसार में, सब बदल गया महाराज।
इसी को कलयुग का प्रभाव कहा है। लेकिन फिर भी जब भी आप जगते हैं तो इन नियमों का अवश्य पालन करें, घर में सुख समृद्धि बनती है। प्राणायाम करें, सांसों को रोकने का थोड़ा अभ्यास करें, और धीरे धीरे जब ये अभ्यास जीवन में होगा राजन, तो अवश्य मन भगवान में लगेगा। तीसरी बात, सबसे बड़ी संग को जीतना। जो जैसी संगति करे सो तै सुफल पाए महाराज। कबीरा मन पंछी भया, जहां देखे तहां उड़ जाए, और जो जैसी संगति करे सो तै सुफल पाए। तो संगति का बड़ा महत्व होता है। ये दो पीछे की बातें तभी आपके जीवन में उतरेंगी जब आपका संग अच्छा होगा।